नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूं तुलसी। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए, आज हरियाणा के रानिया में जिंदगी आसान बनाने उमड़े लोग, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मंथन। बीके उषा ने बताए मुश्किलों में कैसे संभाले जीवन। शिशुओं को संस्कारित बनाने के लिए दिल्ली के शालीमार बाग में आयोजन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई लोग शामिल। आबू रोड के शांतिवन परिसर में लगा हमराह मेला, बच्चों ने किया हुनर का प्रदर्शन। राजस्थान पत्रिका और सोशल एक्टिविटी ग्रुप का आयोजन। सड़क सौंदर्यीकरण में भी पौधारोपण कार्यक्रम। ब्रह्म कुमारी तथा नगर सुधार न्यास का संयुक्त प्रयास। गुजरात के वडोदरा में रशियन कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भारतीय संस्कृति की बिखरी अद्भुत छटा। नेपाल के दांग सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन, नेपाल संघीय संसद सभामुख कृष्ण बहादुर महारा समेत कई राजनीतिक लोग हुए शामिल। चंडीगढ़ के रामलीला ग्राउंड में लगा हेलो हैप्पीनेस मेला, अध्यात्म द्वारा खुशहाल जिंदगी जीने की कला सीखने के लिए उमड़े लोग। बीके सरिता को मिला सूर्यदत्त श्री शक्ति पुरस्कार, योग मेडिटेशन और मूल्यानुगत शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अवार्ड से नवाजा। और मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर में सेल्फ केयर सस्टेनिंग द पावर ऑफ योर प्रेजेंस थीम के तहत स्पेशल रिट्रीट, राजयोग की गहराई पर चिंतन मंथन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यालय की खबर से। अक्सर लोग कहते हैं कि साधन सूचना और संबंधों से भरे इस माहौल में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अगर आप किसी जानकार से इसका वास्तविक कारण पूछेंगे तो पता चलेगा कि तनाव नहीं बढ़ गया है, बल्कि व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई है। तो ऐसे माहौल में तनाव मुक्त खुशनुमा जिंदगी बिताने की कला सिखाने के लिए हरियाणा के रानिया में जिंदगी बने आसान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दुष्यंत चौधरी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार कायत, माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन मैकियत सिंह खोसा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बीके उषा ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे सशक्त माध्यम है सकारात्मक विचार और मेडिटेशन, लेकिन इसकी अहमियत न समझने के कारण मनुष्य इसे अपनी जीवन शैली में शामिल नहीं करता है और तनाव के शिकार हो जाता है। अगर हमें अपनी जिंदगी आसान बनानी है तो मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। जब भी कोई किसी को कहते हैं मेडिटेशन सीखो, आध्यात्मिकता करो, तो क्या कहेंगे, ये तो बुजुर्गों का काम है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आध्यात्मिकता या मेडिटेशन ये बुजुर्गों का काम नहीं है, जिंदगी उनकी तो पूरी होने को आई है। आध्यात्मिकता और मेडिटेशन यंग एज में ही जरूरी है, क्योंकि वही माइंड की क्रिएटिविटी को विकसित कर सकता है। वही सभी अतिथि बीके उषा की बातों से काफी प्रभावित हुए और उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि बातें हमें पता होती हैं, लेकिन अगर बताने का ढंग अच्छा हो, भाव अच्छा हो और खुद के जीवन में उसकी धारणा हो तो बातें दूसरों को प्रेरित करती हैं। बातें हमें पता होती हैं, लेकिन बताने का ढंग अच्छा हो, भाषा अच्छी हो और बताने वाले का अपने व्यक्तित्व का प्रभाव अच्छा हो तो बात पहुंचती। जिसके अपने जीवन में ना हो, वो कितनी बार कहता रहे, उसकी बात नहीं पहुंचेगी हमारे तक। कार्यक्रम के अंत में लायंस क्लब द्वारा बीके उषा को सम्मानित भी किया गया। वहीं बीके उषा ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। विज्ञान का मानना है कि शिशु के दिमाग का 60% विकास गर्भ के अंदर ही होता है और अपने शिशु को महान बनाने का ये सबसे अच्छा अवसर है। गर्भस्थ शिशु के कल्याण हेतु ब्रह्म कुमारीज द्वारा देश भर में चलाए जा रहे अद्भुत मातृत्व फोकसी की पहल के अंतर्गत राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग स्थित जिंदल भवन हॉल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, विधायक वंदना कुमारी, फोर्टिस हॉस्पिटल से गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीता वर्मा, मैक्स हॉस्पिटल से गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर साधना गुप्ता और ब्रह्मा कुमारीज के इस पहल की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर शुभधा नील ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। शुभारंभ के पश्चात मुंबई से आए कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी गिरीश ने आयोजित विषय पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सभी मुख्य अतिथियों ने संस्थान द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का निवेदन किया। तो शालीमार बाग सेवा केंद्र की बीके बहनों ने पौधा भेंट कर अतिथियों को सम्मानित किया। आबू रोड के शांतिवन परिसर में राजस्थान पत्रिका और ब्रह्मकुमारी संस्थान के सहयोग से हमरा नामक खुशियों का मेला लगा, जिसका शुभारंभ तहसीलदार अनूप सिंह, नगर सुधार न्यास सचिव कुशाल कोठारी, सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बी के भरत, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादक बी के आत्म प्रकाश, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के उषा और सोशल एक्टिविटी ग्रुप के कई सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। सुबह की गुलाबी ठंड में संगीत के सुर सुनाई दिए तो उसकी ताल पर थिरकते पांव भी दिखाई दिए। ये मौका था राजस्थान पत्रिका और ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित हमराह कार्यक्रम का। जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चून हरिया लहराई। बच्चों के बौद्धिक विकास और वोट के प्रति जागृति लाने के मकसद से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बच्चों ने योग शिक्षकों की देखरेख में योग तथा प्राणायाम किया। वहीं कई बच्चों ने धीमी गति से साइकिल चलाकर व बोरा उछल कूद कर अपना हुनर दिखाया, जिसमें उम्दा प्रदर्शन करने वाले अतिथियों के द्वारा उपहार भेंट किए गए। प्रतियोगिता के बाद बीके भरत ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए लाभदायक होते हैं। वहीं अतिथियों ने लोकतंत्र की प्रशंसा करते हुए उसे और मजबूत बनाने के लिए सही उम्मीदवार को अपना मत देने का आह्वान किया। हमारे जीवन के अंदर अच्छाइयों को धारण करना है, दैवी गुणों को धारण करना है, जो विकार है, जो आसुरी वृत्तियां है, वो ख़त्म करनी है। अगर ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखेंगे तो हमारे बच्चों में उमंग उत्साह आएगा, उनकी बुद्धि का विकास होगा, उनके भविष्य के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। ये जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, ये बौद्धिक विकास का ही परिचायक है, क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे अधिक बेहतरीन व्यवस्था कोई है तो वो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से आप अपनी सरकार का चुनाव खुद कर सकते हो। लोकतंत्र जो है ये आपके बौद्धिक विकास का ही परिचायक है। जो बौद्धिक विकास वाली बात है, उसका मकसद यही है कि बच्चों में इंटरेक्शन हो, उनका गैजेट्स और ये उपयोगी है, लेकिन इनके साथ ही सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास भी होना चाहिए। बच्चों ने जहां हुनर दिखाए तो हेल्दी आबू रोड की परिकल्पना को भी साकार रूप दिया गया। अंत में तहसीलदार अनूप सिंह ने सभी बच्चों को मतदान करने की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करता हूं कि अपने क्षेत्र व आसपास में स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को वोट देंगे व स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देंगे। ऐसे ही नगर सुधार न्यास के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सौंदर्यीकरण के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर सुधार न्यास के सचिव कुशल कोठारी, तहसीलदार अनूप सिंह, पंचायत समिति के विकास अधिकारी लक्ष्मण सिंह एवं ब्रह्मकुमारी संस्थान के सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बी के भरत ने पौधे लगाकर प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर सोशल एक्टिविटी ग्रुप के सदस्य बी के ललन, बी के शरद, बी के रमेश, बी के हरीश एवं बी के जयप्रकाश समेत कई सदस्य मौजूद थे। बड़ोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्र द्वारा ब्रह्मकुमारी संस्थान के रशियन कलाकारों का दिव्य डांस कार्यक्रम का आयोजन भव्यता के साथ किया गया। इस मौके पर गुजरात की भूमि पर विदेशियों ने अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की अद्भुत छटा बिखेर दी। एक तरफ इस भव्य कार्यक्रम में रशियन कलाकारों के गीत व नृत्य की प्रस्तुति देखकर सभा में तालियां गूंज उठी, तो दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रगान को रशियन द्वारा सुनकर सभी नतमस्तक हो गए। शुभ नामी जागे
अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकारों ने जीवन में शांति के लिए गुणों और मूल्यों को धारण करने तथा आध्यात्मिकता को अपनाने का संदेश दिया। हजारों के बीच में गुजरात विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय और रशियन संस्कृति इतनी मिलती है, ये जानकर काफी खुशी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि शांति और खुशी किसी के द्वारा आ सकती है तो वो केवल ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ही संभव है। अरे आपने रशियन कलाकारों ने निहाड़वा नहीं आया, आपने रशियन संस्कृति અને ભારતની સંસ્કૃતિ એક છે એનું દિવ્ય દર્શન આપણને આજે થયું છે। આ સંસ્થા એટલી બધી નિસ્વાર્થ રીતે અને બહુ જ સરસ રીતે કામ શાંતિનો સંદેશ ફેલાવે છે, કોઈ પણ જાતની સ્વાર્થ નથી હોતો, અને એમાં જોડાયેલા લોકો કન્ટિન્યુ ઘણા વર્ષોથી એક ના એક લોકોને હું જોઉં છું જે લોકો સરસ કામ કરી રહ્યા છે, અને વિશ્વગુરુ તરફ આજે દેશ આપણો જઈ રહ્યો છે, તો આ લોકોનું કુટુંબ બહુ મોટું યોગદાન છે બ્રહ્મા કુમારીઝનું। रशिया के साथ देशों से ग्रुप के डायरेक्टर बी के संतोष ने कहा कि दूसरों ने क्या किया ये सोचने के बजाय ये सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तभी स्वपरिवर्तन हो सकेगा। वहीं अलकापुरी सब जोन की संचालिका बी के डॉक्टर निरंजना ने भी अपने उद्गार रखे। इस सुंदर आयोजन में विधायक जितेंद्र सुखाड़िया, पूर्व महापौर एवं बुडा चेयरमैन एनवी पटेल, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सतीश पटेल समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की। नेपाल के दांग सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नेपाल संघीय संसद सभामुख कृष्ण बहादुर मेहरा, प्रदेश नंबर 5 प्रदेश सभा के सदस्य अमर बहादुर डांगी, लमही नगर पालिका प्रमुख कुल बहादुर केसी, विधायक अनीता देवकोटा, बीसीसी न्यूज रीडर वसुंधरा गौतम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत शहर के कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। कृष्ण बहादुर मेहरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कई बार आ चुका हूं और मैं संस्थान का विद्यार्थी हूं। वही अनीता देवकोटा और वसुंधरा गौतम ने संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू के अनुभव साझा किए। अनेकता बीच में एकता स्थापित प्राथमिकरण गरेर अब साँच्चै दाङलाई समृद्ध बनाउनको लागि हाम्रा प्राथमिकता के हो त्यो आधारमा अगाडि बढ्न म सँगै रहेको कुरा म यो सम्मानित यो पावन भूमिबाट म व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई त्यो सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ भने निश्चय पनि हाम्रो समृद्ध दाङ समृद्ध राष्ट्र हुन सक्छ। अंत में बीके गीता ने अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर मर्यादित पुरुष बनने की प्रेरणा दी। जिंदगी को खुशहाल बनाने की कला आध्यात्म से ही सीखी जा सकती है, जिसे मनुष्य अगर जीवन में शामिल करे तो उसके अंदर अलौकिक ऊर्जा, मानवीय मूल्य, सकारात्मक विचार, निर्णय शक्ति, सहन शक्ति और परखने की शक्ति जैसी अनेक शक्तियां जागृत हो जाती है। इस बात से लोगों को रूबरू कराने के लक्ष्य से चंडीगढ़ के सेक्टर 46 सी सेवा केंद्र द्वारा रामलीला ग्राउंड में हेलो हैप्पीनेस मेला लगाया गया था। इस भव्य मेले में वैष्णो देवी की पिंडियां,
साइंस आध्यात्मिकता के आपसी संबंध पर आधारित प्रदर्शनी व 27 फुट लाइव कुंभकरण शो लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं ब्रह्म कुमारीज की गतिविधियों व वर्तमान सामाजिक समस्याओं को डिजिटल के माध्यम से दर्शाया गया, जिसका अवलोकन मेयर देवेश मोदगिल व सीनियर डिप्टी मेयर गुरुप्रीत सिंह ढिल्लो समेत भारी संख्या में लोगों ने किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम 44C सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी से जीवन को प्रकाशमय करने की बात कही। इसके साथ ही सभी विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस मेले के दौरान 5 साल की रेवा ने मेले में आने वाले लोगों को संस्था का परिचय दिया और अपने नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसे ही गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 3 दिवसीय विहासा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसमें 70 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्हें हैप्पी हार्ट्स, डिवाइन इंसाइट्स, केयरिंग हैंड्स एंड ब्लिसफुल लाइफ नामक 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। विहासा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी इनर क्वालिटीज को अपने प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 3 दिवसीय इस ट्रेनिंग में फैकल्टी मेंबर्स ने प्रतिभागियों को कई महत्वपूर्ण बातें बताईं, जैसे वैल्यूज का सोर्स क्या है और इसे कैसे बढ़ाना है। सर, कम्युनिकेशन कैसे करना है, पर यहाँ पे एक विशेष आपको बात बताई जाएगी कि जैसे हम बाहर लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन क्या है, अपने साथ कम्युनिकेट करना प्रॉपरली। All of us like appreciation. All of us need appreciation, whether it's a small kid or it's an adult or even an old person. और ये appreciation कहाँ से आनी चाहिए? अंदर से, ये अंदर की बात है। ओआरसी के सह निदेशिका बीके गीता ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि डॉक्टर मतलब देने वाला, इसलिए हमें मरीज के तन को ठीक करने के लिए दवा देनी है और मन को ठीक करने के लिए दुआ देनी है। मानी डॉक्टर का भी हमको बाबा ने जो सिखाया कि देना है, कुछ ना कुछ दो किसी को, आपके पास जो चीज़ होगी वो ही देंगे ना। तो चाहे रूहानी डॉक्टर है चाहे जिस्मानी डॉक्टर है, डॉक्टर का मतलब ही है देना, सेवा करना। हमारा आप भी सेवा करते हो, हम भी करते हैं। आप जिस्म को ठीक करते हैं, हम आत्मा को करते हैं। अब आप लोग डबल बन गए। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी प्रतिभागियों के लिए यादगार बन गई। उनके अनुभव बड़े ही कमाल के थे, जिनमें से कुछ लोगों ने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है वो हमको खुद ही खत्म करना है। वो जब तक उसको हम हील नहीं करेंगे तब तक हम कितना मेहनत करें, कितनी स्ट्रगल करें, लेकिन हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। जो इतने सारे कचरे भरे हुए तो निकला, हम बहुत सुकून लेके बहुत लाइट फील करके यहाँ से जा रहा हूँ। हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी हमें प्यार से देखें, और ऑल दीज यू नो डिज़ायर्स आर सो सिमिलर, सो वाइल इंटरेक्टिंग विद पीपल अगर हमें ये याद रहे कि हम सच में कोर में कितने सिमिलर हैं, तो शायद वो कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं आएंगे। यहाँ पर आकर सच में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी हैं जो मुझे खुद के अंदर ट्रांसफॉर्म करनी है। दूसरों के अंदर करने से पहले मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। मुझे सबसे पहले, अगर मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, मुझे सबसे पहले उसको स्टॉप करना है, चेक करना है, उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में, एंड अपने अंदर पीस लाना है। पीस मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हर साल नवरात्रि में पुणे के सूर्यदत्त एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशंसनीय काम करने वाली महिलाओं को सूर्यदत्त श्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यह अवार्ड मुकुंद नगर सेवा केंद्र की बीके सरिता को योग, मेडिटेशन और मूल्यानुगत शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नवाजा गया है। यह अवार्ड सूर्यदत्त एजुकेशन फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट सुषमा चौवड़िया ने बीके सरिता के हाथों में दिया। इस सम्मान समारोह में बीके सरिता ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि का पर्व हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाकर जीवन में आने वाले संकट को पार करने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 19 प्रभागों में से एक वैज्ञानिक और अभियंता प्रभाग, जो लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस पर प्रशिक्षण देने के लिए पूरे देश में अभियान चला रही है। वर्तमान समय अभियान द्वारा हरियाणा के कैथल और करनाल के अनेक स्थानों में सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए गए, जिसमें कैथल का जाट कॉलेज, RKSD कॉलेज और करनाल का बुद्धा कॉलेज
RPIIT कॉलेज बार एसोसिएशन प्रमुख स्थान थे। इन स्थानों पर कार्यशालाओं के दौरान प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके भारतभूषण ने कहा कि यदि व्यक्ति का मन शांत है तो वो आपदा के दौरान उससे निकलने का उपाय निकाल लेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए राजयोग के अभ्यास की, जिससे मन शांत और स्वच्छ बनेगा। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी परेशानी से निकलने के लिए कई टिप्स दिए। इन सभी आयोजनों के दौरान करनाल सेवा केंद्र पर भी इस अभियान के अंतर्गत पावर ऑफ लेट गो विषय पर भी सेमिनार हुआ था, जिसमें भिलाई सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी ने कहा कि जिंदगी एक एल्बम के समान है, जिसमें हमें वही पल संजो के रखने हैं जो हमें खुशी देते हैं, और दुख देने वाले पलों को लेट गो कर देना है। जिंदगी में एक एल्बम है, अगर जिंदगी में खुशी चाहते हम तो ये लेट गो करना यानी अपनी जिंदगी के एल्बम में से उन फोटोज को निकालना होगा जो मुझे कष्ट देते हैं। वहीं हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि मैं संस्थान का दिल से धन्यवाद करता हूं जो स्वच्छ भारत अभियान को इतने बड़े लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा देश, ऐसी संस्कृति जो विश्व की महान संस्कृति, उसके बावजूद भी अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं हम सबके जो सामने खड़ी है, उनका एक ही कारण है कि हम स्वयं अपने लिए तो मुस्कान ढूंढते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग द्वारा देश के हर गांव से लेकर कस्बों और शहरों में युवाओं के भीतर सकारात्मकता, स्वच्छता और आध्यात्मिकता की अलग जगाने वाली पीस मैसेंजर बस के ओडिशा स्थित नवरंगपुर पहुंचने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके चंद्रिका, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रमाकांत नायक, 15वीं बीएसएफ बटालियन के कमांडेंट विक्रम शर्मा, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रंजीत कुमार मल्लिक ने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बीके चंद्रिका ने इस मौके पर अभियान के उद्देश्य की विस्तार से जानकारी दी और सब जोन प्रभारी बीके नीलिमा ने उपस्थित सभी अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की। वर्तमान समय तनावग्रस्त समाज के लिए संजीवनी है राजयोग ध्यान, जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, जिससे कार्य में कुशलता आती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसी उद्देश्य के साथ राजकोट में मेटोदा के एंजल पंप्स एंड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में 5 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन पंचशील सेवा केंद्र द्वारा किया गया। इस मौके पर राजयोग शिक्षिका बीके किंजल ने आत्म अनुभूति, परमात्मा के साथ संबंध और जुड़ाव, कर्म सिद्धांत, समय चक्र का ज्ञान देते हुए राजयोग की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। अंत में कंपनी के ओनर कीर्ति भाई देतरोजा, अश्विनी भाई देतरोजा समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे और कार्यक्रम से होने वाले लाभ अनुभव के रूप में शेयर किए। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली के एफएक्स इंजीनियरिंग कॉलेज में सीआईआई एडुकॉन स्कूल एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन किया गया, जिसमें आमंत्रित माउंट आबू से आए मूल्यानुगत शिक्षा के निदेशक बीके डॉक्टर पंड्यामणि ने मूल्य शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। वहीं अशोक लेलैंड स्कूल की प्राचार्य उमा श्रीनिवास, सुब्रमणि शिपिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीआईआई तुतुकुड़ी के वाइस चेयरमैन कृष्णा शंकर ने भी इम्प्रूविंग हैप्पीनेस इंडेक्स एट स्कूल्स जैसे अनेक विषय पर चर्चा की। यूपी के हाथरस स्थित आनंदपुरी सेवा केंद्र द्वारा पुलिस कर्मी प्रशिक्षुओं के लिए सर्वधर्म सद्भाव द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव विषय के अंतर्गत सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद राजयोग शिक्षिका बीके शांता ने बताया कि कैसे इस्लाम में नूर ए इलाही, ईसाई में गॉड इज लाइट, सिख में एक ओमकार और सभी धर्मों में एक परमपिता परमात्मा को ज्योति के रूप में मानते हैं। इस कार्यक्रम का आरटीसी कमलेश गुप्ता समेत कई पुलिस कर्मियों ने लाभ लिया। अंत में सभी को राज्यों के माध्यम से परमात्मा अनुभूति भी कराई गई। मुंबई में कल्याण के दुर्गा देवी मंदिर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन लगाई गई, जिसका कमिश्नर, बिल्डर, पुलिस इंस्पेक्टर और नगर सेवक समेत हजारों लोगों ने इसका अवलोकन किया और राजयोग द्वारा अपनी अष्ट शक्तियों को जागृत करने तथा उसका अपने जीवन में किस तरह से उपयोग करें इसकी जानकारी भी ली।
इस मौके पर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लोगों के स्ट्रेस लेवल की भी जांच की गई। यह प्रदर्शनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका के निर्देशन में आयोजित की गई थी। नेपाल में धुलीखेल के इंग्लिश आवासीय माध्यमिक विद्यालय इमैनुअल इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल और धुलीखेल कॉलेज में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बी के भगवान ने कहा कि वर्तमान समय मनुष्य को अपने अंदर गुणों को धारण करना जरूरी है, क्योंकि गुणों से ही व्यक्ति का व्यवहार सुधरता है। इन सभी कार्यक्रमों में धुलीखेल सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, बीके रामकृष्ण समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे तथा राजयोग द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने की शिक्षा दी। इसके साथ ही जिला कारागार में भी संस्कार परिवर्तन अपराध मुक्त जीवन विषय पर बीके भगवान ने प्रकाश डाला और जेलर टेक बहादुर राई को ईश्वरीय संदेश दिया। नेपाल के बनेपा में प्राइम रेडियो FM द्वारा नैतिक शिक्षा, ईश्वरीय संदेश और तनाव मुक्ति पर बीके भगवान ने संदेश दिया और नेपाल पत्रकार संघ के अध्यक्ष मोतीराम तिमालिया से मुलाकात की। 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का पंजाब के पठानकोट सेवा केंद्र पर शुभारंभ महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश सिंगल, पूर्व विधायक अशोक शर्मा, पूर्व तहसीलदार यशपाल शर्मा, लॉयंस इंटरनेशनल क्लब के अध्यक्ष निर्मल सिंह पप्पू, चामुंडा सेवा समिति के अध्यक्ष संजीव पुरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या ने किया। इस मौके पर बीके राम प्रकाश सिंगल ने सभी से प्रतिदिन एक सत्कर्म करने का आह्वान किया, जिन्हें अतिथियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर में सेल्फ केयर सस्टेनिंग द पावर ऑफ योर प्रेजेंस थीम के तहत रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसे फिलीपींस से आई सीनियर राजयोगा टीचर बीके बैकी ने कंडक्ट किया था। इस रिट्रीट में सेंटर से जुड़े कई बीके सदस्यों ने कई गतिविधियों के माध्यम से राज्यों की गहराई पर मनन चिंतन किया। इसी कड़ी में पेनिंग हिल्स के प्राकृतिक वातावरण में सकारात्मक विचार तो जोहोर बहरू में सेल्फ केयर विषय पर वर्कशॉप हुआ, जिसमें बीके बेकी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हर विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलने की बात कही। वहीं मैजिकल सर्कल ऑफ कन्वर्सेशन ग्रुप की महिलाओं के साथ आंतरिक शक्तियों को पुनः जागृत करने पर चर्चा की। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।